करीब जमीन में गड़ा पड़ गया। गड़ा पड़ने से कार गड़े में जा गिरी है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लाहौर से। शौकत खानम अस्पताल के करीब जमीन में गड़ा पड़ गया है और बताया जा रहा है कि इस गड़े में एक कार जा गिरी है। इस वक्त आप बोल की स्क्रीन पर मनाज़िर भी देख सकते हैं कि जमीन पर एक गड़ा पड़ा है और इस गड़े के अंदर एक कार गिर पड़ी है। ये शौकत खानम अस्पताल के करीब वाक़या पेश आया है लाहौर में, जहां पर ज़मीन के अंदर गड़ा पड़ जाने से उसके अंदर कार गिरी है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कार में सवार अफराद को निकालने के लिए इस वक्त ऑपरेशन जारी है। शौकत खानम अस्पताल के करीब ज़मीन में गड़ा पड़ गया है। खुरम मलिक नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। खुरम बताइएगा इस वाक्य के बारे में। ये अफसोसनाक वाकया शौकत खानम हॉस्पिटल के करीब खैबाने फरदौसी रोड में जो है वो पेश आया। आपको बताएं कि जमीन में जो है गड़ा पड़ गया है। गड़ा पड़ने से कार सवार जो वहां पर सफर कर रहे थे वो उस गड़े में जो है वो जा गिरी है। रेस्क्यू की टीमें जो है मौके पर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त रेस्क्यू जराये का यही बताना है कि 2 से 3 अफराद जो हैं उनको बाहफाजत तरीके से जो है वो गड़े से निकाल लिया गया है, जबकि गाड़ी जो है अभी गड़े में ही है। उसके लिए रेस्क्यू जो है वो क्रेन मंगवा रही है और गाड़ी जो है वो क्रेन की सूरत में जो है वो बाहर निकाली जाएगी। और एनी शाहिदीन के मुताबिक यही कह रहा है कि कार सवार जो है गाड़ी पार करके जो है वो सड़क के दरमियान में खड़े थे, तो एकदम जो है वो जमीन में गड़ा पड़ा है, जिसके नतीजे में गाड़ी जो है वो गड़े के अंदर गिरी है और जो जख्मी है उनको बाहफाजत तरीके से जो बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू का यही कहना है कि ऑपरेशन जो है वो जारी है और अब से कुछ देर पहले जो है वहाँ पर जो एनी शाहिद थे उनकी जानिब से बताया गया है कि जो महफूज खातून कार में जो सवार थी 2 से 3 अफराद वो महफूज बिल्कुल जो है वो बाहर निकाले गए हैं, जबकि रेस्क्यू का भी यही दावा करना है कि महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया गया है और अब गाड़ी को ट्रेन के जरिए जो बाहर ठीक है रेस्क्यू कर लिया गया है। कार के लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया खुरम।